हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, जस्ट बिकॉज कि हमारी एक इंडियन कंपनी है बोट। नाम तो हमने सब सुना है। बोट ज़्यादातर वेरिएबल्स पर काम करती है, चाहे वो TWS हो, चाहे वो नेक बैंड हो, या वो एक स्मार्ट वॉच हो। और हम लोग अपने चारों तरफ देख भी रहे हैं कि आजकल बोट के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, ज़्यादातर नेक बैंड और ईयरफोन्स। घड़ियाँ भी लोग पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स पहन रहे हैं, उनका फीडबैक भी अच्छा है। और ऐसा ही एक प्रोडक्ट अभी रिसेंटली बोट ने लॉन्च किया, एक नेक बैंड जो है ये बोट 330 330 विथ ANC। ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी मायनों में इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने ये प्रोडक्ट खरीद कर टेस्ट करना चाहा कि आखिर इसमें जो कंपनी क्लेम कर रही है वो कितने दूर तक सच है। और साथ ही साथ इसे मैं कंपेयर करूँगा अपने Realme नेक बैंड से, बड्स वायरलेस 2 विथ ANC, और साथ में कंपेयर करेंगे ओप्पो एनको बड्स के साथ। ये सारे प्रोडक्ट्स जो आज मेरे पास है, और ये है बोट का नेक बैंड। ये देखिए कलर, इसका ये टिप का कलर, यस। ये सारे प्रोडक्ट्स अंडर 2000 लिया है मैंने, 2000 के नीचे, इसीलिए मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ। बहुत डिफरेंस है बिकॉज रियलमी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, बट फिर भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज फॉर साउंड। बाकी और कोई कंपैरिजन बोट के साथ नहीं होगी, सिर्फ साउंड डिपार्टमेंट में ही अपने कंपेयर करेंगे और कॉल्स के डिपार्टमेंट में। और मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि नेक बैंड्स आर फार मच बेटर देन TWS कॉल्स लेने के मामले में। अगर आप कॉलिंग ज़्यादा करते हो तो TWS प्रैक्टिकल नहीं है, एनी डे एक नेक बैंड प्रैक्टिकल है, चाहे वो कॉल क्वालिटी हो, चाहे कॉल लिंग लेने या नहीं लेने का एक्सपीरियंस। ईज ऑफ टेकिंग कॉल्स इज मच मोर बेटर देन अ TWS इन अ नेक बैंड, यस। तो अब इसको मैं अलग अलग डिविजन्स में पार्ट करूंगा। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड। डिजाइन ये आपके सामने, कलर ये सिल्वर कलर है विथ नियॉन ग्रीन टिप्स, और इसमें लेफ्ट एंड राइट का मार्किंग यहाँ पर दिया हुआ है ये साइड में। आपको लगेगा जैसे यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, मैंने बहुत खोजा था मगर मिला नहीं मुझे। और मटेरियल्स अच्छे यूज़ किए हैं बोट ने, बट प्रीमियमनेस की बात करूँ तो लाइक रियलमी नेक बैंड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी प्रीमियम, और उसकी फिनिश काफ़ी एक स्मूथ फिनिशिंग है, और ये थोड़ा सा उंगली में कहना लगता है। बट यस, 1500 के मामले में जस्ट कांट कंप्लेन। बोट ने एक अच्छा काम किया है, केबल की क्वालिटी अच्छी है, ये सारे कुछ अच्छे बनाए हैं, और यहाँ एक मेटल फिनिश सा दिया है। यहाँ हमारा टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए, ये रहा, और सारा कंट्रोल्स यहाँ है। ये बीच वाला जो बटन है ये मल्टी फंक्शन बटन है, और ये ANC बटन है। अब रह गया बात, इसमें जो सबसे बड़ा एक अचंभा है या एक मतलब क्या बोलेंगे उल्टी चीज़ है इसमें, आप नेकबैंड कैसे पहनते हो, ये जो हमारा कंट्रोल्स है वो हमारे राइट साइड पे रहता है, इस तरह से ये राइट साइड है, यहाँ पर ये सारा कंट्रोल्स रहता है। तो जब आप कोई कंट्रोल को दबाओगे तो वॉल्यूम अप मींस वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन मींस वॉल्यूम डाउन, बट इसमें उल्टा है, ये वॉल्यूम डाउन है और ये वॉल्यूम अप है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो मुझे दो दिन तीन दिन यही समझने में लगा, मैं समझ नहीं पा रहा था, अरे भाई ऊपर दबा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रही है और नीचे दबा रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ रही है। तो ये बोट ने नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया, ये समथिंग मतलब ये एक अजीब ही उल्टा तरीका है। उसके बाद बीच वाला बटन एक मल्टी फंक्शन बटन है, ये बोट के हेडफोन्स आपको ये ऑफ हो जाते हैं, यस, और इनको ऑन करने के जैसे ऑफ, लिटरली ऑफ, अगर इसको 5 मिनट तक कोई एक्टिव कनेक्शन नहीं मिलेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। सपोज आपने ब्लूटूथ बंद कर दिया या ब्लूटूथ से हटा दिया इसको और इसे ऐसे ही छोड़ दिया मैग्नेट्स लगा करके, तो ये अपने आप 5 मिनट के बाद ऑफ हो जाएंगे, और जब आप डब्बे से निकालते समय ये ऑफ ही रहेंगे। इसे ऑन करने के लिए इसे 2 सेकंड, बीच वाला मल्टी फंक्शन बटन को 2 सेकंड तक दबाना पड़ता है, एक म्यूजिक जाएगी कान में और ये ऑन होता है। उसके बाद फिर हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा और पेयर हो जाएगा। ये इसका
सिस्टम है इसे चालू करने का, और ऑफ करना ऑफ भी होता है। अगर आप 2 सेकंड तक इसे वापस दबा देंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा, जो कि रियलमी में नहीं है। यस, और रह गया बात इसकी पैकेजिंग का। पैकेजिंग मैंने अनबॉक्स कर लिया है और वही कंटेंट्स मिलते हैं, यूजर मैनुअल मिलता है, बेसिक कुछ है नहीं दिखाने को, एक चार्जिंग केबल है। बट पैकिंग इसकी जबरदस्त है। जो बॉक्स है ये देखिए, जबरदस्त बॉक्स, ये बॉक्स इसके अंदर स्लाइड होकर के ये बॉक्स, और ये खुलता भी बहुत अच्छे से, यहां से ये इस तरह से ओपन होता है। पैकिंग बोट जबरदस्त। अब रह गया बात, ये हो गया बिल्ड का बात, और जो मुझे नहीं पसंद आया वो मैंने आपको बता दिया कि ये बटन मुझे नहीं पसंद आया। अब आते हैं बिल्ड के बाद, यस कंपैरिजन। रियलमी की बिल्ड थोड़ी बेटर है, थोड़ी प्रीमियम फील होती है, बस यही फर्क है दोनों में। और रियलमी एक कॉस्टली प्रोडक्ट भी है, तो आप प्लीज इसे उस हिसाब से कंपेयर मत करिएगा। फॉर द गिवन प्राइस पॉइंट 1500 रुपए में ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा बिल्ड है, अच्छी हेडफोन्स है। अब इसमें क्या क्या फंक्शंस दिया गया है मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जो डब्बे पर लिखा है। ENX टेक्नोलॉजी, ENX इन्होंने निकाला है फॉर नॉइज कैंसिलेशन वाइल टेकिंग कॉल्स। उसके बाद 24 घंटे का प्ले टाइम, ASAP चार्ज, IPX वाटर रेजिस्टेंस, ब्लूटूथ 5.2। रियलमी में ब्लूटूथ 5 है और ओप्पो एनको में भी ब्लूटूथ 5.2 है। इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट, अगर आप मल्टीफंक्शन बटन को 3 बार दबाएंगे तो वॉइस असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगा। मैं बटन के फंक्शंस पर इतना डिटेल में नहीं बात करूंगा, बिकॉज वो मैनुअल में दिया है और हम सब एक बार पढ़ लेंगे। पावर सेविंग बोर्ड और मैग्नेटिक ईयरबड्स। अब मैग्नेटिक ईयरबड्स पर आते हैं, इनकी एक एक बात पर अपने बात चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक ईयरबड्स जनरली क्या होता है, ये मैग्नेटिक ईयरबड्स जैसे ही आप लगाते हो म्यूजिक पॉज हो जानी चाहिए, या कॉल डिसकनेक्ट हो जाना चाहिए, या ये ऑफ हो जाना चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मैग्नेटिक कनेक्शन से ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट इसे टैंगल नहीं हो, उलझे ना, इसे ऑर्गेनाइज रखने के लिए इसे मैग्नेटिक बनाया गया है। बाकी ना तो इससे कॉल्स कटती है, ना ही म्यूजिक पॉज होती है। अगर आप इसे मैग्नेट लगा भी दोगे तो म्यूजिक बजती रहेगी। तो ये मुझे एक इसका ड्रॉबैक लगा, जिस वजह से बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है, बिकॉज ये ऑफ नहीं हो रहा उस टाइम पे। अब ब्लूटूथ 5.2 होने की वजह से इसका पेयरिंग अच्छा है और कवरेज भी अच्छा है। मैंने अपने घर में इसे टेस्ट किया, 2-3 दीवालों के पार भी जाकर के देखा तो ब्लूटूथ की कनेक्शन स्ट्रांग थी। तो इन दैट केस ब्लूटूथ 5.2 अच्छे से काम कर रही है। अब इसके बाद इसमें क्या लिखा है, ENX टेक्नोलॉजी। ENX टेक्नोलॉजी बोट ने इंट्रोड्यूस किया है जस्ट बिकॉज ऑफ आप जब बाहर कॉल्स ले रहे हैं और वो जो साउंड है बाहर की, वो आप तक ना, आपकी वॉइस सामने पार्टी तक अच्छे से पहुंचे, उस चीज को या बाहर के नॉइज को सप्रेस करने के लिए ये ENX टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। अब मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को, रियलमी और बोट, दोनों में से कॉल क्वालिटी या कॉलिंग एक्सपीरियंस वाइल राइडिंग, मैं मोटरसाइकिल पर इसे लेकर के निकला था दोनों को वाइल राइडिंग, बोट की ज्यादा बेटर है। नॉइज क्वालिटी, जो साउंड की जो इन्वायरमेंटल नॉइज है, वो सब थोड़ा सा बोट बेटर कंट्रोल करता है और आपकी आवाज आपके कॉलर तक थोड़ा बेटर पहुंचती है, क्लियर रहती है आवाज। तो इन दैट केस बोट की जो ENX टेक्नोलॉजी है ये काम करती है और अच्छे से काम करती है। कॉलिंग एक्सपीरियंस में मुझे कोई शिकायत नहीं है बोट से। इसमें 13 mm के ड्राइवर्स हैं और ANC है 25 डेसिबल्स तक। उसके बाद जो इसका सबसे बड़ा फीचर है वो है क्रिस्टल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय डायरेक्ट ऑप्टियो। ये किस लिए दिया है इन्होंने? इन्होंने ये दिया है एक बटन के थ्रू, और उस बटन से ये ट्रिगर कर सकते हैं और उस बटन से ही इसे ऑफ कर सकते हैं, और वो बटन है ये मल्टीफंक्शन बटन, बीच वाला मल्टीफंक्शन बटन को जस्ट गाना सुनते समय 2 सेकंड के लिए आप दबाइए, एक म्यूजिक आएगी और
उससे ये डायरेक्ट ऑप्टियो वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, या वापस आप दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्ट ऑप्टियो? जितना भाई इतना टेक्नोलॉजी टर्म्स अपने को नहीं पता, मैं एक लिसनर हूं, मुझे गाना सुनना पसंद है और अच्छे गाने सुनने बहुत पसंद है मुझे, और हर किसी को पसंद है, और अगर साउंड क्वालिटी अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है. सबसे पहले कंपेयर करेंगे इन दोनों के बीच, इसे भूल जाइए अब. ये इसका साउंड क्वालिटी बोट के सामने नहीं टिकता. ये बोट इज अ फार बेटर साउंडिंग हेडफोन देन रियलमी बर्ड्स एयर 2 विथ ANC. बोट की साउंड क्वालिटी विथ डायरेक्ट या विदाउट डायरेक्ट बहुत बढ़िया है, और बेस भी अच्छा है, और वॉल्यूम थोड़ा लाउड की तरफ है. मतलब एक बार लगेगा जैसे 5 मिनट आप खाली बस इसे 100% वॉल्यूम में सुन सकते हो, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं होता. इसमें मैंने एक चीज और नोटिस किया, जब मैं गाना सुन रहा था तो अपने जैसे पार्टीज में जाते हैं तो वो बड़े बड़े स्पीकर्स जो डीजे स्पीकर्स लगे होते हैं, कैसे उनका वूफर वाइब्रेट करता है, हम लोग फील कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं. सेम केस इसमें भी है. इसके अंदर जो इसका ड्राइवर्स है या जो इसका स्पीकर है, कुछ कुछ गानों में कान के अंदर वो वाइब्रेशन फील होता है, या वो फील हो रहा था, जो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बट उसी की वजह से आपको लगता है कि वाह क्या बेस है. तो इसका बेस अच्छा है. नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, डायरेक्ट ऑफ है, और अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में इसे लो वॉल्यूम में सुनेंगे, लाइक 30-40% या इवन 30% की मुझे कम वॉल्यूम में गाना सुनना है, तो गाना सुनने में बहुत अच्छा और बहुत मीठा लगेगा, और वो बेस भी बहुत बढ़िया लगेगा. डायरेक्ट में क्या करता है, बेस को थोड़ा कम करता है और ट्रेबल्स को थोड़ा सा बढ़ाता है, और बढ़ा करके वो जो साउंड स्टेज है उसे और ब्रॉड करता है. तो आपका लेफ्ट राइट चैनल और माथे के ऊपर से वो जो साउंड स्टेज होना चाहिए वो थोड़ा बेटर हो जाता है. बेस फिर ओवर पावरिंग नहीं रहता, परफेक्ट बेस हो जाता है, और ट्रेबल थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे आपको लगेगा एक DTS का इफेक्ट आ रहा है या डॉल्बी का इफेक्ट आ रहा है. तो वो चीज हमारे रियलमी में नहीं है, तो रियलमी साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में गया. एंड बोट, कुडोस टू यू, बहुत बढ़िया. इसका साउंड क्वालिटी मैं अभी 4 दिन से टेस्ट कर रहा हूं, मुझे बहुत मजा आया. एक 1500 के हेडफोन में ये क्वालिटी का साउंड सुनने में बहुत मजा आया. अब आते हैं ओप्पो एनको में. ओप्पो एनको बर्ड्स एक बहुत बढ़िया हेडफोन है, TWS है, अंडर 2000, और साउंड इसका लाजवाब है गाने में. इस दोनों में, बोट और ओप्पो में, सिर्फ लाइक 19.5 और 20 का फर्क है. मैं वो 0.5 ओप्पो को दूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स साउंड स्टेजिंग एंड बैलेंसिंग. इसका साउंड स्टेज और इसका साउंड बैलेंस और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत बढ़िया है, और ये मुझे समझ में आया चिनकम्मा AR रहमान का सॉन्ग में. उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो जबरदस्त सेपरेशन मालूम चलता है इन दोनों में. और उसमें आप, मैंने इसे ज्यादातर टेस्ट किया डायरेक्ट ऑन करके भी, और डायरेक्ट ऑन करने से इसकी बैटरी बैकअप थोड़ी सी अफेक्ट होती है, यस. और उस केस में ये, इसमें कोई डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं है. इसका जो ऐप है हे मेलेडी ऐप, उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है कि बेस बढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए. बट ऑन नॉर्मल लिसनिंग टाइम ओप्पो एनको की साउंड स्टेज और बैलेंसिंग अभी भी बेटर है. बट बोट ओप्पो के एकदम करीब आता है, एकदम करीब. तो इसके लिए बोट बहुत जबरदस्त, बोट ने काम किया है अपने म्यूजिक एक्सपीरियंस में, एंड मैं बहुत खुश हूं बोट ले करके या इसे सुन करके. मैंने इसे टेस्ट किया. अब आते हैं बैटरी बैकअप पर. मेरा रियलमी बड्स मुझे 4 दिन का बैटरी बैकअप देता है ऑन माय डेली यूसेज. मैंने ये इसे टेस्टिंग के दौरान पाया, लगभग 3 दिन तो आराम से चला गया, बिकॉज मैं इसमें बहुत म्यूजिक सुन रहा था, डायरेक्ट ऑन कर रहा था और डायरेक्ट ऑफ कर रहा था, तो ये सबसे बैटरी बैकअप इफेक्ट होता है. तो 3 दिन तक चला गया. 3 दिन के बाद मेरी ये नेक बैंड 20% पर थी. आपकी बैटरी जैसे ही लो हो जाएगी, यहां पर एक LED इंडिकेटर है ये वाला, ये रेड ग्लो करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी लगभग 20% पर आ गई है. तो ये कल ग्लो करने लग गई थी और मुझे 3 दिन हो चुके थे,
अगर मैं टेस्टिंग नहीं करता नॉर्मल डेज में सुनता तो मेरे ख्याल से 3.5 दिन या खूब जोर 4 दिन टच करता, मगर रियलमी 4 दिन कंप्लीट करती है, 5वें दिन इसे चार्ज करना पड़ता है। ये शायद उतने दिन ना जाए जस्ट बिकॉज ये मैग्नेट में डिस्कनेक्ट होता नहीं है, ये ऑफ नहीं होता। तो यही एक फर्क है इसमें। और दूसरा एक मैंने इसमें एक तकलीफ पाई थी शुरू में, लाइक मैं गाना सुन रहा हूं और किसी का कॉल आ गया, और कॉल जब हम उठाते हैं तो एक आध बार मुझे फील हुआ कि वो इमीडिएट कॉल पर नहीं गया, वो मतलब आपको बीच वाला मल्टीफंक्शन बटन दबा करके इसे ब्लूटूथ पेयर करना पड़ा वो कॉल हेडफोन में लेने के लिए। ये मुझे एक दो बार मिला है, उसके बाद से नहीं हुआ, बट अगर बीच में मिलता है तो आई डोंट नो, बोट का हो सकता है ये ट्यूनिंग वैसा ही होगा। और उसके बाद जब कॉल कट गया तो वो गाने पर स्विच भी नहीं होता था, बट फिर कल भी मैंने ट्राई किया लास्ट, वो सीमलेसली स्विच हो रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। तो ये मेरा एक कंप्लीट रिव्यू और कंप्लीट कंपैरिजन विथ ओप्पो एंड को बोट एंड रियलमी, ये तीनों का कंपैरिजन ये कंप्लीट है। और मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि 1,500 के अंदर अगर आपको कोई नेक बैंड चाहिए फॉर कॉल्स एंड फॉर म्यूजिक, तो बोट 330 विथ ANC इज रियली वेरी गुड। और ANC भी काम करता है, इसका ऐसा बात नहीं है। मैं जब गाना सुन रहा था और मैं बाइक चलाते हुए गाना सुन रहा था तो मुझे मेरे बाइक की इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। माइंड इट, बाइक चलाते समय सराउंडिंग्स का आवाज और इंजन का आवाज सब कुछ रहता है। जब मैंने ANC ऑन किया तो वो बाइक की इंजन की आवाज मुझे अब सुनाई नहीं दे रही थी। तो दैट मीन्स कि बोट की ANC जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है अप टू 25 डेसिबल्स एंड इट इज वर्किंग रियली वेरी गुड। तो 1,500 के अंदर बोट एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है आपके लिए एक नेक बैंड में। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड एंड बेस्ट ऑफ लक जो भी बायर जैसे बाई करना चाहे। और बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ऑलवेज वेलकम, मैं जवाब देता हूँ और हमेशा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।